आक्रोशित छात्रों ने निकाला मार्च। किया विश्वविद्यालय का घेराव। अखिल पलामू छात्र संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला है। भवन का नींव हिलाने की काम कर रहे हैं, उसमें चूहे की तरह खोखला कर रहे हैं निर्को साथियों। आज उसी का संघ विश्वविद्यालय के कुलपति के पास आने का काम करता है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति के अंदर भय है, विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों के अंदर भय है। 3 दिन पूर्व अपासु की छात्र इकाई ने कुलपति का पुतला दहन करते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। सैकड़ों की संख्या में छात्र इकाई ने की विश्वविद्यालय प्रबंधन और सिंडिकेट सदस्यों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। छात्र संघ धरना देने आ रहा है, लेकिन एक भी या दिमाग की तरह जो विश्वविद्यालय को चाट रहे हैं वो पलामू के प्रबंधन के छात्रों का जवाब देना। डॉक्टर अंबालिका कुमारी को लिखित मांग पत्र देने के बाद किया गया कुलपति का पुतला दहन। पदाधिकारी कहलाती है, हम उनको आज ज्ञापन सौंप रहे हैं कि अधिकार मांगते, शिक्षा का अधिकार मांगते। एक आदमी तो ना अखिल पलामू छात्र संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आक्रोश मार्च निकाला और विश्वविद्यालय का घेराव किया। हिलाने की काम कर रहे हैं, उसमें चूहे की तरह खोखला कर रहे हैं निर्को साथियों। आज उसी का दिन 3 दिन पूर्व अपासु की छात्र इकाई ने कुलपति का पुतला दहन करते हुए 72 घंटे का अल्टीमेटम विश्वविद्यालय प्रबंधन को दिया था, जिसके तत्पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से नाराज अपासु की छात्र इकाई ने आज आक्रोश मार्च निकाला और विश्वविद्यालय का घेराव किया और सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय प्रबंधन और सिंडिकेट सदस्यों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जिसके बाद DSW डॉक्टर अंबालिका कुमारी बाहर आई, उनको लिखित मांग पत्र देने के बाद कुलपति का पुतला दहन किया गया। सिंडिकेट की 66वीं बैठक में लिए गए बिंदु 8 वाले प्रस्ताव निर्णय को वापस लिया जाए, परीक्षा विभाग द्वारा भरवाए गए परीक्षा फॉर्म वाले सभी आयोजकों को प्रवेश पत्र और अंक पत्र उपलब्ध कराया जाए, महीनों से लंबित परीक्षा परिणाम अति शीघ्र प्रकाशित किए जाए, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में गुरु शिष्य परंपरा को बचाया जाए, सभी महाविद्यालयों में युवा महोत्सव और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुनिश्चित किया जाए, पीछे चल रहे हर सत्र को ससमय पूर्ण कराया जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।